अलमेकर्स गूगल या करोम पे आए जो कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं बी एस एडिये, बी ए डी एस ए डी ई बी एस सी के आज कल के नाम ए डी एडिये, ए डी एस रखा गया है तो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हम चलते हैं तो आप देखते रही वीडियो को तो आते हैं यहाँ पर आप लिख कर कॉलेज आयर टेक्निकल एजुकेशन तो यहाँ पे ये आप लिखेंगे तो वो ख़ुद ब खुद यहाँ पे आएगा तो आप इनको इंटर करिए आप देख सकते हैं डॉट जी ओ वी डॉट पी के तो इसको क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद जो कि ये कॉलेज आयर एंड एजुकेशन टेक्निकल के जो वेबसाइट है तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दी हुए हैं और यहाँ पे भी ये भी वीडियो आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हम चलते हैं जो कि फ़र्स्ट पे ये लिंक है पोर्टल सी एच टी ई डॉट जी ओ बी डॉट पी के तो इसको क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आते हैं तो किस तरह अप्लाई करते हैं आउट टू अप्लाई इससे भी आप सीख सीख सकते हैं तो यहाँ पे न्यू एडमिशन्स पे क्लिक करेंगे न्यू एडमिशन्स पे क्लिक करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तो इसकी अनाउंस डेट सात सितंबर से लेकर उनतीस सितंबर तक तो आप देख सकते हैं जो लास्ट डेट है उनतीस सितंबर इसको क्लोज करेंगे तो अप्लाई का निशान है तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ये मज़ीद इसकी जो प्रोसेस है यहाँ पे यहाँ पे तो अभी एड एकेडमिक रिकॉर्ड्स जो कि आपने एफएससी कर चुके हैं या मैट्रिक और यहाँ पे मुख्तलिफ़ उसमें डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करने के लिए तो ये एड किस बुक है को क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कौन सा है आपकी प्रीमियर इंजीनियरिंग है एफ ए है डिप्लोमा एसोसीट कंप्यूटर साइंस मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स तो प्री मेडिकल बलूचिस्तान सेमी ही रहने थे सेशन जो कि एनअल है बाई एनुल है इस्पेशल है मेल जेंडर जो कि मेल फीमेल और सेशन यहाँ पे देख सकते हैं इक्कीस बाईस उन्नीस अठारह तो मेरा तेईस है मैं तेईस पे छोड़ता हूँ तो यहाँ पे पुट करेंगे इसके रोल नंबर तीन सौ तीन सौ बयासी तो इसको पुट करने के बाद इसको पुट करने के बाद यहाँ पे ए, बिल्कुल ऊपर ऊपर आप आ जाते हैं तो कैंसल और ऐड ऐड को क्लिक करेंगे ऐड को क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो कि बोर्ड ऑफिस की तरफ़ से आपके जितने भी डेटा होंगे वो इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो ऐड पे क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं जो कि बोर्ड ऑफिस की तरफ से इसके नाम सब कुछ वालिद के नाम ये सब कुछ चधरी से आ जाते हैं जो कि ये वेबसाइट है वो बोर्ड ऑफिस के साथ कनेक्टेड है फिर इसको कन्फर्म करेंगे कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे जो कि इंटरनेक्स्ट प्रेमेडिकल से ये नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल मांगता है तो प्रोफाइल यहाँ पे हम सबमिट करेंगे तो हम कोयटा से बिलोंग करते हैं कोयटा लिखेंगे उसके बाद भी कोयटा से बिलोंग करते हैं कोयटा लिखेंगे तो उसके बाद है मज़हब इस्लाम उसके बाद बलूचस्तान ये सही है बिल्कुल इसके बाद है लोकल और डोमिसाइल तो इसकी डोमिसाइल कच्ची की है तो हम कच्ची को पुट करेंगे तो फिर हमने यहाँ पे सीएनसी सी एन एस सी और नंबर पुट करने के बाद ईमेल मांगता है तो तो जीमेल पुट करने के बाद हमें इसको नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट सिलेक्टेड जो कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उनको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट तो हम कोयटा में एडमिशन लेंगे तो यहाँ पे कोयटा के जितने भी कॉलेज हैं उनको आपके सामने लाएंगे तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट साइंस कॉलेज तो इसमें ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो आपके सामने अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं इसमें मुख्तलि प्रोग्राम्स जोलॉजी बॉटनी कंप्यूटर साइंस जितने भी बी एस के सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर सब कुछ मैंशन है तो आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं तो इसको हम क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद डन पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा तो इसके बाद एक और भी आपको आ, मसलन अपना कॉलेज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा तो हम फिर फिर करेंगे कोयटा फिर यहाँ पे है डिग्री कॉलेज जो कि पोस्ट ग्रेजुएट्स इसको क्लिक करेंगे तो इसमें भी बीएस सब्जेक्ट्स के बहुत से कोर्सेज़ शामिल है तो इनको भी सिलेक्ट करेंगे तो इसके बाद यहां पे ये सब्जेक्ट आते हैं जो जो सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले सकते हैं उनको यहां से सिलेक्ट करिए मैं मसलन जोलॉजी को सेलेक्ट करता हूँ ये देखें आप फिर इसके बाद तीन तीन कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं ये देख मैंने तीन सब्जेक्ट सेलेक्ट किए बॉटनी की कमिस्ट्री और जोलॉजी ये सिलेक्ट करने के बाद डन पे क्लिक करेंगे तो डन पे क्लिक करने के बाद ये नेक्स्ट प्रोसेस है तो नेक्स्ट प्रोसेस पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट करने के बाद ये आपके एडमिशन ये ये आप देख सकते हैं उनकी तरफ से सब कुछ आ चुके हैं तो हम इसको सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडीएस जो कि बीए बीएससी के भी ये, भी ये की नाम से मशहूर है इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे इस तरह मसलन ये मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कच्ची कच्ची को सिलेक्ट किया इसके अपना आबाई इलाका जो कि गांव है तो उसमें कौन कौन सी कॉलेज इंटर है तो बाग इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसोसिएट डिग्री मसलन ये आप कर सकते हैं ये आप कर सकते हैं तो मैंने इसके लिए इस एसोसिएट डिग्री भी सिलेक्ट की तो आप भी इसी तरह आपने इसको इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट करने के बाद ये आपके आगे आ चुका है इसमें ये एक दरख्वास्तम तलीमी अदार याम पे इन्होंने अपने जितने भी इंस्ट्रक्शनस है जो कि बार बार ये एडिट भी नहीं हो सकता है जितने भी करेक्ट इन्फॉर्मेशनस है तो आप इसको सबमिट करेंगे तो आपकी फॉर्म फिल हो जाएंगी फिर इसमें एक एक डॉक्यूमेंट्स लगा कर अपने जो कि कॉलेज जो जो आपने मुंतब की है उसमें सबमिट करें तो उसके बाद वेट करें जब भी ये मेरिट लिस्ट आएंगे तो आपके नाम उनमें आ आ जाएगा तो इसके लिए बहुत आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल से बल्कि फोटो स्टेट वाले और शॉपकीपर वालों को पैसे देने से आप घर बैठे बैठे मोबाइल पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और हमसे भी रबता कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए बलुचिस्तान जॉब्स चैनल की तरफ से थैंक्स जजाकल्ला और इसके हवाले से मज़ीद इंफॉर्मेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तो हम इसको सबमिट करेंगे तो आप देख देख लें सबमिट करें तो सबमिट तो के ये आपके आगे सबमिट हो रहा है तो आप देख सकेंगे फिर ये आपको देंगे ट्रैकिंग आई ट्रैकिंग आईडी फिर क्या है तो यहाँ पे एक इनकी प्रिंट भी आ चुका है डाउनलोड एप्लीकेशन है इसको क्लिक करता हूँ तो एक क्लिक करने के बाद ये बिल्कुल आप देख सकेंगे जे जो जो कॉलेज में आपने अप्लाई कर चुके हैं ये एक स्टूडेंट है उसकी नाम सब डेटा सब कुछ यहाँ पे है तो ये ये देख लें मैंने अप्लाई कर चुका है सबमिट 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 मैं यहाँ पे आपके लिए ये अब देखिए सबमिट 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 ये ये कॉलेज मैंने इसके लिए सिलेक्ट की हैं आप भी अपने ऑनलाइन अप्लाई इसी तरह कर सकते हैं तो ये बिल्कुल इजीली आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा सारे इंफॉर्मेशन सबमिटेड सब कुछ ऊपर तो डेटा और एफ की के मार्क्स पे बिल्कुल इजीली आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं मोबाइल के मोबाइल से तो हमने इसको डाउनलोड किया फिर इसके बाद चंद डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इनके वो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी इनके साथ सबमिट करें यहाँ पे सबमिट सबमिटेड टू शॉर्टलिस्टेड तो जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड होंगे फिर वो अपने कॉलेज को ज्वाइन कर सकेंगे ये एक और बात भी हम कहते हैं ट्रैकिंग आईडी डी यहाँ पर उनकी मैसेज भी आ चुका है यूर एप्लीकेशन यूअर एप्लीकेशन एज़ बीन सबमिटेड योर ट्रैकिंग आईडी ये आप देख सकेंगे ये मैं इसको अंडरलाइन करता तो हूँ ये सब कुछ उनकी तरफ से ऑनलाइन दे ये सब कुछ है फिर इसके बाद आप अपने एप्लीकेशन भी चेक कर सकेंगे एप्लीकेशन आईडी ट्रैकिंग आईडी से एक सौ अठतीस एक सौ तिरासी मेरा ट्रैकिंग आईडी है वो भी अब आप भी चेक करके आपको दिखाता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख देख लेंगे जो कि ट्रैकिंग आई डी पे ट्रैकिंग आई अभी किस तरह मालूम कर सकते हैं तो ये आप देख देखें मैं किस तरह ट्रैकिंग आईडी डी आपको अप्लाई करने का तरीका और आपके इंफॉर्मेशन ये फ़र्स्ट में फ़र्स्ट ट्रैकिंग आईडी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंटर करें ट्रैकिंग आईडी और सीएनआईसी सी। तो मेरा ट्रैकिंग आईडी डी तो सबमिट करेंगे ये सब कुछ ये देखें सबमिटेड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो वो प्रिंट जो फार्म हमने अप्लाई की है वो हमारे आगे आ जाएगा तो थैंक्स जजाक